वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए स्टूडेंट, आज फिर आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में आज आपको हम दिखाने वाले हैं वर्धमान यूनिवर्सिटी की तरफ से और एक नया नोटिस जारी हुआ है, वो स्टूडेंट लोग के लिए है। जितने भी स्टूडेंट वर्धमान यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट नोटिस है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए कि इस वीडियो में आपको हम कौन सा नोटिस दिखाने वाले हैं, क्या है इम्पोर्टेंट नोटिस आपके लिए। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो पल पल अपडेट आपको मिलते रहता है इस चैनल के माध्यम से। तो आप हमेशा अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को और दिखाते हैं आपको कि क्या है आपका ये अपडेट, इस वर्धमान यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या अपडेट निकला है, क्या नोटिस निकला है। तो चलिए दिखाते हैं आपको वो नोटिस को सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं, आपको वर्धमान यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपको लेके आए हम वो नोटिस दिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ से आपको लेके चलेंगे हम, इसका नीचे स्क्रॉल करते हुए चलेंगे आपको यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए, आपको स्क्रॉल करते हुए जैसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे पूरा नीचे आना आपको। एकदम नीचे आने के बाद देखिए यहाँ एक सेक्शन मिलेगा आपको, एग्जामिनेशन बोल के एक सेक्शन रहेगा आपका यहाँ पे। तो एग्जामिनेशन सेक्शन में आपको आ जाना है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्जामिनेशन का एक सेक्शन है, तो एग्जामिनेशन सेक्शन में आपको आना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ आज का डेट में, यहाँ पे नोटिस में लिखा आपका नोटिस, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए री ओपनिंग आपका ऑफ द वेब पोर्टल ऑफ फॉर UG सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन 2022। तो ये नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है। तो देखिए इसमें आपका क्या कहा गया री ओपनिंग के बारे में वेब पोर्टल को, तो पूरा नोटिस को पढ़ते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं अभी हम। तो देखिए ये ओपन करेंगे इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा ये आपका नोटिस, और ये PDF का फॉर्म में इस तरह से खुलेगा। इसको आप खुद से भी ऑफिशियल साइट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपका इसका यहां पे आपका जो PDF है वो आपको वहां पे दे देंगे हम, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं पूरा PDF को, पढ़ सकते हैं क्या है नोटिस में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये नोटिस अभी आज का डेट में ही जारी हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका 14 तारीख लिखा हुआ, 14/2022, तो जून में ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद नोटिस देखिए यहाँ पे लिखा नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है। तो नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है कि पूरा आपको पढ़ के सुनाते हैं नोटिस को। देखिए यहाँ पे नोटिस में क्या कह रहा है आपको, तो पूरा नोटिस आप देखिए यहाँ पे लिखा है सेवरल रिक्वेस्टेड हैव बीन रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट एंड ऑथोराइज्ड ऑफ एफिलिएट कॉलेज रिगार्डिंग री ओपनिंग ऑफ वेब पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ फीस एंड फॉर्म फॉर UG सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन 2022। इट इज़ हेरीबाय नोटिफाई फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट द वेब पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ फीस एंड फॉर्म फॉर UG BA BSc BCom सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन 2022 विल बी री ओपन फ्रॉम 10 AM टू 6 PM ऑन 18/6/2022, यानी कि 18/6/2022 तक को आपका ये जो है वेब पोर्टल को, इन लोग का जो वेब पोर्टल होता है यूनिवर्सिटी का, उसको रीओपन किया जाएगा। और जो भी कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं आप देखिए UG का जितने भी कोर्स है, BA BSc और BCom वाले स्टूडेंट, उनका जो फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं हुआ है, फॉर्म फिलअप से अगर कोई छूट गए हैं तो उन लोग के लिए ये यहाँ पे आपका रीओपन के लिए, इन लोग का वेब पोर्टल रीओपन के लिए आपको मौका दिया जा रहा है, आपको यहाँ पे रीओपन किया जाएगा। आप फिर से इसमें 18 तारीख को अपना जो फॉर्म फिलअप होता है वो कर सकते हैं ऑनलाइन। तो जिनका छूट गया वो स्टूडेंट फॉर्म फिलअप 18 तारीख को आप कर लें, जो भी UG कोर्स कर रहे हैं वर्धमान सिटी की तरफ से, BA BSc वाले स्टूडेंट जो भी है उनके लिए ये सुनहरा मौका है, फिर से आपको मौका दिया गया, आप इस मौका को जाने नहीं दें। जिनका मिस्टेक से छूट गया, अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर सके कोई कारणवश, तो आपके लिए ये नोटिस है, फिर से आपको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है UNIVERSITY की तरफ से। यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी स्टूडेंट है और बहुत सारे कॉलेज और स्टूडेंट मिलके उनको जो है इन्फॉर्म किए हैं और कहे हैं वो लोग कि आप जो वेब पोर्टल को रीओपन कीजिए, हम लोग का फॉर्म फिलअप और फी जो है छूट गया है, हम लोग नहीं कर पाए, इसीलिए वो फिर से आपका UNIVERSITY फिर से रीओपन कर रहा है 18 तारीख को आपका ये फॉर्म फिलअप और फीस का
फी आपको जमा करने के लिए और फॉर्म फिलअप करने के लिए। यहाँ पर देखिए पूरा लिखा गया है कि जो भी प्रिंसिपल और TICA जो भी है, इन्हें एफिलेट जितने भी कॉलेज है बर्धमान सिटी के, सारे कॉलेज को इन्फॉर्म किया गया कि आप लोग जो है इसको सारे स्टूडेंट को बता दें और उनको इसमें फॉर्म फिलअप करने का फिर से मौका दिया गया है, उनको इन्फॉर्म आप कर दें। तो यहाँ पर आप समझ गए क्या कह रहा है इस नोटिस में। आई होप कि आपको सब डिटेल से समझ में आ गया है, हम आपको अच्छा से समझा पाएँ। फिर भी अगर कहीं कोई मिस्टेक हुआ है तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं, कहीं से अगर आप कोई मिस्टेक हम बोल दिए हैं तो उसके लिए सॉरी। और फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको समझाने का आपका कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं इस तरह से तो हम आपके लिए इस तरह से और भी इन्फॉर्मेशन का वीडियो आपके लिए बना के लाते रहेंगे और आपका हेल्प करते रहेंगे। मेरा मकसद है आपको हेल्प करना, इसीलिए हम आपके लिए इस तरह से वीडियो बना के लाते हैं। तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक करके। देखिए आपका लाइक और सब्सक्राइब में कोई भी पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। तो देखिए जितने भी स्टूडेंट BEd के हैं जिनका एग्ज़ाम 27 तारीख से है, तो जो स्टूडेंट अभी तक अपना प्रैक्टिकम असाइनमेंट नहीं बनाए हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्रैक्टिकम असाइनमेंट को भी बना सकते हैं, जाके एक बार देख लीजिए, वहाँ सॉल्व किया प्रैक्टिकम असाइनमेंट का बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आज का इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।